ऊंची आवाज करो, राजस्थान तो वीरों की भूमि है, थोड़ा ऊंचा बोलो, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, ओम देवी ईश्वर भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। माँ भारती के वीर विरंगनाओं और मेरे भारत की ऊर्जावान ताकत और आप सबके अंदर विराजे परमात्मा को मेरा करोड़ों बार नमन। मैं अभिनंदन और वंदन करती हूँ स्वामी जी महाराज प्रतापपुरी जी महाराज का, हमारे गुरु तुल्य आज मैं मोहनपुरी जी को सच सच दंडवत करती हूँ। मेरी उनमें श्रद्धा ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी है उनके विचारों को पूरे भारत में पहुंचाना। सुरेश चौहान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं आज हिंदुस्तान में। मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी कि चौहान साहब, अगर कोई आज जरूरत है हिंदू को तो आपकी जरूरत है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मीडिया चौथा स्तंभ है। हम यहां से बोलते हैं तो हमें माइक की जरूरत होती है, इसी तरह यहाँ की आवाज अगर पूरे भारत में पूरे विश्व में अगर पहुंचानी है तो सूरदर्शन चैनल की जरूरत है। तो चौहान साहब, आपके लिए मेरे पास दो शब्द हैं कि तुमने कलम उठाई तो वर्तमान लिखना, हो सके तो कृतिमान लिखना, चापलूस मीडिया लिख चुकी है बहुत चालीसा, हो सके तो तुम हृदय का तापमान लिखना। महलों में गिरवी है गरिमा, सहमे सी सड़कों पे स्वाभिमान लिखना, और ज्यादा क्या कहूँ चौहान साहब आपके बारे में, बस अपनी सभ्यता और संस्कृति का मान लिखना। बहुत संतों ने अभी अभिनंदन और वंदन के साथ साथ स्वामी जी ने बहुत सारे अच्छे विचार दिए, हम उससे सहमत हैं। आप कहते हैं हम दो, हमारे दो और उनके सो हो चुके हैं। सीधे शब्दों में स्वामी जी बोलिए ना कि देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी बड़ा खतरा है। आप स्पष्ट शब्दों में लिखिए ना कि इस्लाम से हमें खतरा है, हमें इस्लाम मुक्त भारत करना है। स्वामी जी, आज युवाओं को उन शब्दों की जरूरत है। खुले शब्दों में कहिए ना कि इन मस्जिदों पे मुझे हरा और नीला रंग पसंद नहीं आता। आप खुले शब्दों में